ब्राह्मण बनिया ठाकुर को भी आरक्षण दे दो। इतनी नौबत आ गई, तीन तीन दिन एक मुख्यमंत्री को एक हल्के में गांव गांव जाना पड़े। खट्टर साहब की सरकार भयभीत हो गई और मनु अपनी माँ और बहन को भी पापियों नहीं बता रहा है। इतने भिखारी आपके पास मंदिर में अंदर और बाहर बिठा देंगे जो आपसे लूटेंगे और खाएंगे। गोदी मीडिया के माध्यम से दो लोग अपना प्रचार प्रसार करेंगे। देश करोड़ों अरबों का बिजनेस छोड़ के आप सेवा में लगे, कब तक जारी रहेगा ये तपस्या, कब तक जारी रहेगी, लक्ष्य क्या है? डर नहीं लगता कभी? या आज हमारे साथ है एक ऐसे पूर्व सांसद, एक ऐसे पूर्व मंत्री, पिछले 40 साल राजनीति के इस मैदान में डटे हुए, जो गलत को गलत कहते हैं और गलत को गलत कहने में अगर उनकी कुर्सी जाए, सत्ता जाए तो परेशानी नहीं। चाहते हैं जनता की भलाई, चाहते हैं जनता का सुख, विवादों से घिरे रहते हैं, विवादों से नाता रहता है, लेकिन फिर भी डटे रहते हैं सही के साथ। आज हम आपको मिलवाएंगे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी जी, वी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी वी पॉजिटिव दर्शकों को मेरा प्रणाम। सैनी साहब, हमारा चैनल जिसे वी पॉजिटिव, हम पॉजिटिव बात ही करेंगे, राजनीति की बात करेंगे। राजनीति में राजकुमार सैनी का बहुत बड़ा वजूद है, मंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन अपने लिए नहीं, समाज के लिए हमेशा त्याग किया। जब लोग तरसते थे बीजेपी की टिकट के लिए तब टिकट मिली, और ऐसा कर दिया दोबारा बीजेपी ने, वो टिकट नहीं दी क्योंकि आप अपने असूलों पर कायम थे, अपनी बात पे अड़िग थे। अवसरवादी राजनीति आप नहीं कर पाते, ये कमजोरी है आपकी या ये ताकत है? अवसरवादी राजनीति आप कर नहीं पाए कभी, मलाई वाली बात आप कर नहीं सकते। राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है, लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है, तो सेवा का मार्ग था और लोगों को नेता नेतृत्व या लोगों को मार्गदर्शन कि आज हमारे देश के अंदर जो मार्गदर्शक बन के नेता उभरे, अब वो ना तो महात्मा ज्योतिबा फुले ना भीमराव अम्बेडकर, उनका इतिहास इस देश में नहीं पढ़ाया गया, इस देश में वो पढ़ाया जा रहा है जो देश में हुआ नहीं। हमारे देश के अंदर रामायण महाभारत किताबों में, सरस्वती किताबों में है, पढ़ाई जा रही है, हर कॉलेज स्कूल में फोटो लग रही है। जब मनुस्मृति के मुताबिक नारी जाति पे पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, और मनु अपनी माँ और बहन को भी पापियों नहीं बता रहा है, तो कहाँ सरस्वती लक्ष्मी की फोटोआं किसने लगवाई है स्कूलों में? ये कहाँ स्कूल मार्गदर्शक कर रहे थे, कहाँ स्कूल खोले थे? माता सावित्री बाई फूले ने इस देश के अंदर नारी जाति और महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजों के माध्यम से स्कूल और अपने बलबूते स्कूल खुलवाए, जिसका कल हमारे मुख्यमंत्री आका फूले साहब की जयंती को कुरुक्षेत्र के अंदर आके मनाते हैं। आज से पहले तो कभी मनाई नहीं, लेकिन राजकुमार सैनी की रैली थी महम में, भाई कहीं सारे सैनी उधर ना भाग जाएं, इसलिए उसने यहाँ लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अपने पास बहुत लोगों की दुआ और आशीर्वाद हमारे साथ है, वहाँ गदगद हो गए लोग देख। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, एक जिले में तीन तीन दिन रात को ठहरते, दिन में ठहरते हैं, देर नहीं हुई, क्या लगता है आपको कि विरोध ज्यादा दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है बीजेपी की स्थिति पहले जैसी है या क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी में रहे, भाजपा में रहे, आप पार्टी जुड़े रहे हैं, तो इतनी नौबत आ गई, तीन तीन दिन एक मुख्यमंत्री को एक हल्के में गांव गांव जाना पड़े, तो क्या लगता है हालात कैसे हैं? वैसे इससे सीधा पता लगता है, अगर कोई किसी के दरबार में भिक्षुक बन के पड़ेगा तो भाई जनता उस पर तरस खा लेगी। देश के अंदर मुद्दा ना बेरोजगारी का, ना महंगाई का, ना भ्रष्टाचार का, और ना मुद्दा किसान का, ना मजदूर का, ना क्वालिफाइड बच्चों की नौकरी का, ना पेंशन का। यहां पर मुद्दा है धर्म का कि हम आपको धर्म के साथ जोड़ देंगे। इतने भिखारी आपके पास मंदिर में अंदर और बाहर बिठा देंगे जो आपसे लूटेंगे और खाएंगे। इस देश में मनोहर लाल खट्टर अगर व्यक्तिगत सरकार में रहते हुए कुछ बच्चों को नौकरी देते, अब अपने ही एरिया में दे लेते करनाल में, चलिए और कहीं नहीं दी थी तो करनाल में ही दे लेते, तो करनाल में ही उसके लोगों ने टेम्पू नीचे नहीं उतरने दिया, हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरने दिया, वहां पर प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। यहाँ जो ये लोगों को ये सपने दिखा रहे हैं धर्म के नाम के ठेके खोल रहे हैं, इन लोगों को तो रोजगार की जिम्मेवारी थी, इन लोगों को महंगाई कंट्रोल करने की जिम्मेवारी थी कि 400 वाला सिलेंडर 1200 में चला गया, देश का पेट्रोल जो है ना 35 में देने का वायदा कर रहे थे वो 55 से 110 पे चला गया,
2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए खाते में भ्रष्टाचार का पैसा लाना था, किसानों की आमदन 2 गुनी करनी थी, वो सारे तो अगर कर देते। जो धनखड़ जी हमारे मतलब इस हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो बड़ा मतलब जो है ना स्वामीनाथन रिपोर्ट को बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, अब उनको वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रही क्या, वो कहां चले गए लोग। दरअसल देश में राजनीति भाषणों में रहेगी बीजेपी, वैसे तो सब पार्टियां भाषणों के जरिए, अब एक पार्टी जो बिल्कुल अस्तित्व खो चुकी है जनता में, वो कह रहे हैं हम 21,000 रुपए सम्मान भत्ता देंगे बेरोजगारों को। अरे पहले किसने रोके, तुम्हारे बाप डिप्टी सीएम डिप्टी पीएम रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री बाप रहे, एक एक बार नहीं दादा रहे, कई कई बार रहे, ये सारी पार्टियां लोगों को भ्रमित करने के लिए। और हमारा जो निचला तबका है जिसको कुछ नहीं लेना, वो तो सिर्फ हवा देखता है, इनका किस पार्टी ने हवा बना ली। अब बीजेपी से आगे कोई हवा बना ही नहीं सक रहा, क्योंकि खरपोण भया जो है ना एडवर्टाइजमेंट पर फ्रंट पेजों पे छपेगा, और वहां सिर्फ बातें फ्रंट पेजों पे छाप करके गोदी मीडिया के माध्यम से दो लोग अपना प्रचार प्रसार करेंगे, देश के पैसे का दुरुपयोग करेंगे, तो फिर इन लोगों को भ्रमित करेंगे। लेकिन इस देश की जनता या हमारे प्रदेश की जनता 10 साल से ज्यादा किसी को नहीं झेल सकती। 10 साल तक तो उसका झूठ सच एक बार तो यूं समझ लेंगे यार पीछे इसकी मजबूरी रही होगी कर नहीं सका। विधायिता है इस बार, तो विधायिता है इस बार का लगता है, विधायिता है भाजपा की, ये तो विधायी हुई पड़ी है, तो पीछे भी विधायी हो ली थी, ये तो 40 पर है, इनको तो उन्होंने ग्लूकोज दे रखा। जो लोग जो है ना इनके डैड जी अगेंस्ट जमुना पार भेजे थे, अब वो जमुना पार वाले इनके साथ लग के मलाई चाट रहे हैं, उनको भी धोएंगे और इनको तो धोया पड़ा। एमपी साहब आप मंत्री भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, एमपी साहब को क्षेत्र से एमपी रहे हैं आप, तो चुनाव लोकसभा के पहले होंगे, राजस्थान के चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव है, तो राजस्थान में क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या उम्मीदवार भी हैं आपके वहाँ पे, क्या कहेंगे? हमारी पार्टी 10 लड़े 50 लड़े हमारे वहाँ पर लोग कार्य कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, दोनों तीनों स्टेटों में जो जो हमारे सक्षम लड़ने के दावेदार हैं उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। जीत और हार समीकरणों की होती है। बीजेपी ने बहुत जोर लगा रखा है एडवर्टाइजमेंट के, वहां हमारे पास इतने साधन नहीं है कि जो हम जनता को वो चीजें बता सकें जो हमारे देश के संविधान में लिखी हुई है कि सबको आरक्षित होना जरूरी है। ब्राह्मण बनिया ठाकुर को भी आरक्षण दे दो, 100% आरक्षण करो, जो जनसंख्या अनुपात है, जो संविधान में सबके वोट सबके अधिकार बराबर है। लेकिन जहां कहीं अंधे बंटे रेवड़ियां दें आप अपनों को, इस व्यवस्था को कोई धर्म के नाम से, कोई क्षेत्र के नाम से, कोई परिवार के नाम से, कोई मतलब जो है ना वह झूठे वादों और तर्कों के आधार पर इस देश के लोगों को गुमराह करके लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो मेरा पेशा नहीं। एक बात और, जब चुनाव पिछली बार लोकसभा चुनाव आप नहीं लड़े, आपने प्रचार किया, तो इस बार फिर चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप खुद चुनाव लड़ेंगे या प्रचार करेंगे, और क्या क्षेत्र से भी उम्मीदवार आपका लोकसभा में उतरेगा, पूरे हरियाणा से लोकसभा में उतरेंगे उम्मीदवार आप? पहले भी हमने बसपा से समझौता करके 10 की 10 सीटें लड़ी थी, अब भी 10 की 10 सीटें लड़ी जाएंगी। ये हमारा देखना है कि हमें हमारी विचारधारा की फॉलोइंग, हमारी जो विचारधारा है उसका समर्थन कौन सी पार्टी कर सकती है। तीसरे मोर्चे का विकल्प देख रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य गुट इकट्ठे हुए, कोशिश चलती रहती है, तो क्या वो आपको लगता है प्रभावी हो सकता है, वो लगता है मतलब उसको असर है कि बातें? इस देश में थर्ड फ्रंट ही अब के बनने जा रहा है, और थर्ड फ्रंट के माध्यम से ही लोग इस देश की नई पृष्ठभूमि लिखेंगे। आपसे संपर्क में है बड़े नेता तीसरा फ्रंट बना रहे हैं? मैं तो उन सारे फ्रंटों में इन्वॉल्व। सर आने वाले समय में जब चुनाव लोकसभा कहेंगे हरियाणा में, जो हरियाणा कुरुक्षेत्र बैठते हैं हम, हालांकि आपने बहुत बड़ा इंडस्ट्री किंग, मतलब चाहते तो करोड़ों अरबों का बिजनेस छोड़ के आप सेवा में लगे हैं, घर परिवार से दूर, इससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता, लेकिन त्याग कब तक जारी रहेगा, ये तपस्या कब तक जारी रहेगी, लक्ष्य क्या है आपका? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी ने पूरा जीवन लगाया, काशीराम ने पूरा जीवन लगाया, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक देव, जिन लोगों ने समाज सुधार के लिए काम किया उन्होंने पर्सनल कभी फायदा नहीं देखा, और मेरा जीवन भी शायद
राजनीति में भेदभाव के खिलाफ मैं बंसीलाल के खिलाफ लड़ा, मंत्री पद गया, एमएलएशिप गई, चौटाला के खिलाफ लड़ा, मंत्री पद छीना और फिर मतलब जाए बाहर निकाले पार्टी से, चार मुकदमे करे। यही बीजेपी में भी हुआ, जब लोग जो शक्तिशाली लोग थे उन लोगों के आगे खट्टर साहब की सरकार भयभीत हो गई। पूरा हरियाणा जलवाने के बाद उनको विधानसभा में फिर बैठ के आरक्षण को लागू किया, जबकि हम कह रहे सबको आरक्षित कर दो, लेकिन उस बात को अमल में ना लाने की बजाय सिर्फ जूते के डर से उन लोगों को दे रहे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिनको जवाब दे दिया। आपको धमकियां मिलती रहती है, खतरा भी रहता है, ऐसे में परिवार हरे के बच्चे पत्नी सब कुछ होता है, तो डर नहीं लगता कभी, या सर पे कफन बांध के तैयार निकले? अभी भी जैसे अभी एयर न्यूज वाले एक इंटरव्यू ले रहे थे, वो ब्राह्मण ब्राह्मण की बात कर रहे थे, मेरा किसी जाति से कोई विरोध नहीं है, ना जाट से था, ना कभी ब्राह्मण थे, ना ठाकुर थे। जो कोई धौंस देने की बात करता है या किसी को दबाने का प्रयास करता है, हम हमेशा उसके विरोध में, कभी भी ये नहीं कि भी ये आदमी ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, ताकत तो जनता की है, जिन लोगों को भी दी गई जनता है। मैं सभी दर्शकों को, बी पॉजिटिव लोगों को जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे विनती करना चाहूंगा कि भाई हमारा बी पॉजिटिव चैनल जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना लोगों की समस्याओं को उठाता है, और उन लोगों के पास ये जरूर जाता है जो समाज की जनता की आवाज उठाते हैं। हम समाज का एक आईना देख करके ही बोलते हैं, समाज के उन वर्गों को जिन लोगों का शोषण हुआ है मैं हमेशा उनकी आवाज उठाता हूँ। मेरा पर्सनल या जीवन का खतरा हमेशा बड़ा रहता है, बहुत सारी मेरे रास्ते रुके, बहुत बार मेरे को धमकियां मिली, 20-20 करोड़ रुपये लोगों ने गल काटने वालों के लिए इनाम रखे, लेकिन जाना आना एक दिन बना हुआ है, ये व्यवस्था लिखी गई है, जिस दिन जाना है उसी दिन जाना है, उसे पहले कुछ छू नहीं सकते। गलत को गलत कहने की हिम्मत कायम रहेगी? मैं आवाज हूँ उन लोगों की जो बेजुबान है। तो ये हमारे साथ राजकुमार सैनी थे, जिनका साफ कहना है कि वो आवाज है उन बेजुबान लोगों की जो दबे हुए हैं, झुके हुए हैं या प्रताड़ित हैं। राजनीति में सत्ता सुख के बजाय जनसेवा इनका मुख्य रास्ता है, जनसेवा करने का। राजनीति सत्ता सुख के लिए नहीं, जनसेवा के लिए करते हैं। गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर इन्हें ज्यादा खुशी है बजाय बत्ती वाली कार की। इसी आइडियोलॉजी के चलते शायद राजकुमार सैनी आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितना आज से 20 या 25 साल पहले थे। सर, आपका बी पॉजिटिव से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई चंद्र हमारा एक बहुत ही बेवाक पत्रकार है जो हमारे माध्यम से जन भावनाओं को हमेशा उजागर करने का प्रयास करता है। मैं सभी का धन्यवाद।